अगली सुबह भगवान सूर्य के क्षितिज पर प्रकट होने से पहले ही औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने नावों में बैठकर क्षिप्रा नदी पार कर ली। क्योंकि महाराजा के शिविर तथा क्षिप्रा के बीच में कासिम खान ने शिविर लगा रखा था और महाराजा को उसकी गद्दारी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी, इसलिए महाराजा की सेनाएं औरंगजेब की सेनाओं के क्षिप्रा के उस पार आगमन के संबंध में जान नहीं सकी। महाराजा ने जहां शिविर लगा रखा था उसके ठीक पीछे धर्मत गांव स्थित था। जब शाही सेना की कुछ टुकड़ियों ने धर्मत गांव में घुसकर महाराजा की सेना की पीछे से घेराबंदी आरंभ की तो भी महाराजा जसवंत सिंह के आदमियों को इस कार्रवाई का बिल्कुल भी पता नहीं चला। इस प्रकार महाराजा और उसके राजपूत सिपाही मुगलिया राजनीति की खूनी चौसर में ऐसे स्थान पर घेर लिए गए जहां से न तो महाराजा जसवंत सिंह के लिए और न उसके राजपूत सिपाहियों के लिए बचकर निकल पाना संभव था। देखते ही देखते दोनों पक्षों में भीषण संग्राम आरंभ हो गया। महाराजा जसवंत सिंह तथा उसके राजपूत सिपाही बड़ी वीरता के साथ लड़े, किंतु आगे से औरंगजेब तथा मुराद की सेना ने और पीछे से दुष्ट कासिम खां की शाही सेना ने महाराजा को ऐसे पीस दिया जैसे दो पाटों के बीच अनाज पिस जाता है। जब महाराजा के सिपाही आगे की ओर भागने का प्रयास करते थे तो औरंगजेब की तोपों की मार में आ जाते थे और साथ ही धरती में दबा हुआ बारूद भी फट जाता था। इस पर भी महाराजा तथा उसके राठौड़ सरदार जी जान लगाकर लड़ते रहे। अंत में जब महाराजा बुरी तरह घायल हो गया तथा किसी अनहोनी की आशंका होने लगी तब महाराजा के सामंत अपने महाराजा को जबरदस्ती युद्ध क्षेत्र से बाहर ले आए। युद्ध आरंभ होने से पहले महाराजा के साथ 18,000 राजपूत योद्धा थे, जिनमें से अब केवल 600 जीवित बचे थे और उनमें से भी अधिकांश घायल तथा बीमार थे। औरंगजेब चाहता था कि महाराजा को जीवित ही पकड़ लिया जाए, किंतु महाराजा के राजपूत सिपाही महाराजा को लेकर मारवाड़ की तरफ भाग लिए। स्थान स्थान पर राजपूत योद्धा मुगलों से लड़कर गाजर मूली की तरह कटते रहे। अंत में जब महाराजा अपनी राजधानी जोधपुर पहुंचा तो उसके साथ केवल 15 राजपूत सिपाही जीवित बचे थे। जब आगरा में बैठे शाहजहां ने यह समाचार सुने तो वह दुख और हताशा से बेहोश हो गया। होश आने पर उसने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपने पास बुलाया, जो कहने को तो वली अहद था किंतु वास्तव में अपने साथ 10 से ज्यादा आदमी लेकर राजधानी आगरा में नहीं घुस सकता था और एक रात भी लाल किले में नहीं गुजार सकता था। बादशाह ने दारा शिकोह पर लगी समस्त पाबंदियां हटा दी तथा महाराजा रूप सिंह को अपनी सेवाओं में से हटाकर वली अहद का संरक्षक नियुक्त कर दिया। धर्मत की पराजय के समाचारों से शाही अमीरों में खलबली मच गई। आगरा से बहुत से अमीर उमराव भागकर औरंगजेब के खेमे में पहुंचने लगे। शहजादी जहान आरा ने शाही प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुराद तथा औरंगजेब को बादशाह की तरफ से तथा स्वयं अपनी ओर से बहुत मधुर भाषा में चिट्ठियां भेजकर उनसे समझौता करने के प्रयास किए, किंतु दोनों ही शहजादों ने न तो बादशाह की चिट्ठियों के कोई जवाब दिए और न जहानारा की चिट्ठियों के। औरंगजेब और मुराद की विजयी सेनाएं धर्मत से आगे बढ़ी तो बनारस से आगरा की तरफ बढ़ रहे शहजादे सुलेमान शिकोह ने अपनी गति और तेज कर दी। बनारस से बंगाल की तरफ बढ़ते हुए शाह शुजा को यह जानकर हैरानी हुई कि शहजादा सुलेमान शिकोह शाही सेना को लेकर ताबड़तोड़ आगरा की ओर भागा जा रहा था। शाह शुजा को लगा कि आगरा में कुछ अनहोनी हुई है, इसलिए शाह शुजा ने बंगाल की तरफ बढ़ना छोड़कर पटना में ही अपने डेरे लगा दिए। इस पर सुलेमान शिकोह और मिर्जा राजा जयसिंह भी अपनी सेना के साथ मार्ग में ही ठहर गए। उन्हें आशंका हुई कि कहीं शाह शुजा ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया और वह फिर से आगरा की तरफ बढ़ने की तो नहीं सोच रहा है। इधर दारा और शाहजहां की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह बार बार सुलेमान को तत्काल आगरा लौटने के फरमान दोहराने लगा। अगली कड़ी में देखिए
दारा को चकमा देकर औरंगजेब आगरा के दरवाजे तक आ पहुंचा।